हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम रवीना है। U3C e-learning प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछली वीडियो में आप सभी ने देखा कि मैंने आपको टैली की फुल फॉर्म बताई, टैली की डेफिनेशन बताई, उसकी लेवल्स के बारे में बताया, वाउचर के बारे में बताया। तो मैंने बेसिकली आप लोगों को बताया था कि टैली के अंदर 6 वाउचर होते हैं, कॉन्ट्रा वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, पेमेंट वाउचर, जनरल वाउचर, सेल्स वाउचर और परचेज वाउचर। लेकिन जो टैली ईआरपी 9 हम कर रहे हैं उसके अंदर सिर्फ 4 वाउचर का यूज होता है, कॉन्ट्रा वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, पेमेंट वाउचर और जनरल वाउचर। तो मैं आप लोगों को चार जो वाउचर है चारों की अलग अलग एंट्री करके दिखाऊंगी। जो पहली जो हमारी एंट्री है, पहला वाउचर था हमारा कॉन्ट्रा वाउचर। मिस कपूर ओपन अ बैंक अकाउंट विद HDFC बैंक बैंगलोर फॉर द फर्म बाय डिपॉजिटिंग कैश ऑफ रुपीज 1 lakh। तो इस एंट्री के अंदर सबसे पहले तो मिस कपूर ओपन ने बैंक अकाउंट, मिस कपूर ने बैंक अकाउंट के अंदर बैंक HDFC बैंक में अपना अकाउंट ओपन किया, जिसके अंदर उसके फर्म के द्वारा 1 लाख रुपए डिपॉजिट किए गए। सबसे पहले तो हमें इसमें देखना होगा कि वाउचर कौन सा होगा। तो मैंने आप लोगों को बताया था नेक्स्ट पिछली वीडियो में कि बैंक और कैसे रिलेटेड जो हमारी एंट्रीज होंगी वो होंगी कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर। तो यहाँ पे आएगा कॉन्ट्रा वाउचर। अब हम देखेंगे कि इसमें लेजर किसका बनेगा। तो लेजर क्रिएट होगा इसमें HDFC बैंक का। कैश का जो लेजर होता है वो ऑलरेडी बना हुआ होता है, इसलिए हम कैश का लेजर नहीं बनाएंगे, HDFC बैंक का लेजर बनाएंगे। इसका अंडर ग्रुप होगा बैंक अकाउंट्स। एंट्री जो होगी वो हमारी होगी कि HDFC बैंक में हमने अकाउंट खुलवाया है तो HDFC बैंक में हमारा पैसा जमा होगा। तो हमारे जो रूल है अकाउंटिंग के वो क्या कहते हैं कि डेबिट वर्स कम्स इन, क्रेडिट वर्स गोज आउट। डेबिट इज रिसीवर, क्रेडिट इज गिवर। तो जो रिसीव करेगा उसको डेबिट करेंगे, तो यहाँ पे रिसीव कौन कर रहा है? HDFC बैंक। तो इसकी एंट्री होगी HDFC बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या दिया हमने? कैश अकाउंट। कितना अमाउंट है इसका? 1 lakh। ये एंट्री होगी हमारी कॉन्ट्रा वाउचर की। अब हम करेंगे अगली जो एंट्री हमारी पेमेंट वाउचर की। पेमेंट वाउचर की एंट्री है मिस कपूर पेड रुपीज 22,500 टू पर इन कैश टू परचेज ए कंप्यूटर। मिस कपूर ने एक कंप्यूटर परचेज किया, कितने का कैश दिया उसको? 22,500 का। तो सबसे पहले तो हम वाउचर देखेंगे इसमें कि उसने
कंप्यूटर परचेज किया तो उसके बदले में उसने पेमेंट भी की होगी, तो यहाँ पे पेड आ गया, तो यहाँ पे पेमेंट वाउचर। लेदर किसका क्रिएट होगा? कंप्यूटर का। अंडरग्रुप किसके जाएगा? कंप्यूटर के। हमारी फिक्स असेट्स और एंट्री क्या होगी इसकी? डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, कि जो हमारे बिजनेस में आए उसको डेबिट करो, जो जाए उसको क्रेडिट करो। तो आया क्या हमारे बिजनेस में? कंप्यूटर, तो यहाँ पे कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट गया। क्या है? कैश, तो टू कैश अकाउंट। अमाउंट है इसका 22,500। ये हमारी होगी पेमेंट वाउचर की एंट्री। स्टेशनरी कंजम्पल्स, वॉट रुपीज 12,500 फ्रॉम ग्लोबल हाउस। सबसे मेन जो बात है वो अगर यहाँ पे आ गया, या तो फर्म का नाम दिया होगा, उधार में कोई सामान खरीदा तो या तो फर्म का नाम दिया होगा, या फिर यहाँ पे ऑन क्रेडिट लिखा होगा। ऑन क्रेडिट का मतलब होता है उधार में कोई सामान परचेज करना। तो इसमें मिस कपूर ने स्टेशनरी का सामान परचेज किया 12,500 का फॉर्म ग्लोबल हाउस से। तो इसमें क्या एंट्री होगी? जर्नल, पहले सबसे पहले तो वाउचर होगा इसमें, जर्नल वाउचर, उधार है तो जर्नल वाउचर। उसके बाद आएगा हमारा लेजर स्टेशनरी एक्सपेंस का। अंडरग्रुप क्या होगा इसका? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब इसमें एंट्री, एंट्री क्या होगी इसकी? कि मिस कपूर ने स्टेशनरी का सामान खरीदा, तो हमारे बिजनेस में क्या है? डेबिट फॉर कम्स इन, क्या है? स्टेशनरी का सामान। स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट डेबिट टू, ऑन क्रेडिट है तो फर्म का नाम लिख दें हम यहाँ पे टू ग्लोबल हाउस। कैश होता तो हम कैश लिख देते, चेक होता तो बैंक का नाम लिख देते, लेकिन यहाँ पे हमारा फर्म का क्रेडिट पे है तो फर्म का नाम। अमाउंट क्या है इसका? 12,500। ये होगी हमारी जर्नल वाउचर की एंट्री। अब हमारी रह गई रिसिप्ट वाउचर की एंट्री। मिस कपूर ने रिसीव किए 15,000 रुपए कंसल्टेंसी प्रोवाइड की उसने, तो कैश लिया उसने किससे? ओमेगा इन्फोटेक से। सबसे पहले इसमें वाउचर
जहाँ पे रिसीव आ गया वहां पे रिसीव वाउचर हो जाएगा। लेजर किसका क्रिएट होगा इसमें? इसमें कंसल्टेंसी प्रोवाइड, कंसल्टेंसी कंसल्टिंग रिवेन्यू का। कंसल्टिंग रिवेन्यू होता है हमारा डायरेक्ट इनकम, तो इसके अंदर ग्रुप क्या होगा? डायरेक्ट इनकम। एंट्री क्या होगी इसकी? क्या रिसीव किया उसने? कैश। तो कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट मस्ट कम सिंह, कैश अकाउंट डेबिट। किसका किया? कंसल्टेंसी का। कंसल्टिंग कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, हम आपके हर क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे।